राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में विश्व वेदांत संस्थान ने आज से अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत कर दी है। यह आयोजन अगले 4 दिन तक चलेगा। सरयू घाट के नजदीक खाक चौक के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर को राम मंदिर निर्माण के लिए संतों की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं 5 दिसंबर को यज्ञ की पूर्ण आहुति की जाएगी। यज्ञ आयोजकों का मानना है कि इस यज्ञ के माध्यम से राम मंदिर निर्माण में आ रही सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो है ये पूरे मेरे आयोजन का सिर्फ एकमात्र बात है, हम भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शिवसेना विश्व हिंदू परिषद नहीं, भारतवर्ष के जितने हिंदू हैं और जितने हिंदू संगठन हैं सबको आगे आकर के भगवान श्री राम का मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए वीएचपी की ओर से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 9 दिसंबर को दिल्ली में वीएचपी ने धर्मसभा कराने का ऐलान किया है। धर्मसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके इसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के पटेल नगर में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। वीएचपी का दावा कि 9 दिसंबर को देश भर के लाखों लोग दिल्ली में जुटेंगे, सरकार पर राम मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बनाया जाएगा। 9 दिसंबर को जो हमारा रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होने वाला है, पूरे भारतवर्ष से वहाँ पे लोग आने वाले हैं और हमारी अपेक्षा ये है कि वहाँ पे 8 से लेकर 10 लाख लोग रामलीला ग्राउंड में रहेंगे। रामलीला ग्राउंड के अलावा जो जो रामलीला ग्राउंड से सड़कें जुड़ी हुई हैं, हर सड़क पे आपको भगवान नजर आएगा। ये पहली बार भारत में होने वाला है दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम, हर सड़क आपको भगवान रंग से लिपी हुई नजर आएगी। भारत में राम मंदिर बने ये जन जागरण करने के लिए अभियान जो चला है, इसमें सभी क्षेत्रवासियों को हम जोड़ना चाहते हैं और ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस राम के देश में राम मंदिर बने और उसमें जन सहयोग मिले। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इसमें जागरण हो, भारत का एक एक जनमानस इसमें निकले और मंदिर का निर्माण हो। इसमें धर्म की बात इतनी नहीं है, कितनी आस्था का प्रश्न है। राम हमारे एक महापुरुष थे, एक भगवान के रूप में, कई लोग उनको महापुरुष के रूप में मानते हैं। उनका एक वो एक मानव को उन्होंने एक संदेश दिया, उनका एक आदर्श था, एक आदर्श पुरुष का जो मंदिर है वो वहाँ बनना चाहिए। एक एक हिंदुस्तानी, एक पार्टी की बात नहीं है, एक दल की बात नहीं है, इसमें देश का हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक जुड़ा हुआ है और उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि राम किसी एक जाति या धर्म के नहीं है, किसी एक दल, राम सबके हैं। और इसमें सारी महिला शक्ति, समस्त हिंदू धर्म के लोग, जो वाकई हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, फिर वो चाहे कोई भी है, महिला शक्ति, समस्त हिंदू धर्म के लोग, जो वाकई हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, फिर वो चाहे कोई भी है, इसमें मुस्लिम समुदाय भी जुड़ा हुआ है जो कि चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जब ये सिद्ध हो चुका है, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, रामलला का मंदिर वहाँ विराजमान है, तो भव्य राम मंदिर बनाने में कोर्ट क्यों रोक लगा रही है या सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? जब सब समाज, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, वो ये कह रहे हैं कि हम हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं, ऐसे में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों और उनके धैर्य की परीक्षा क्यों ली जा रही है? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी ने हरिद्वार में शंखनाद का आयोजन किया है। इस सभा में साधु संतों के साथ साथ राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बात करने वाले कई लोग शामिल हुए। सभा में मंदिर निर्माण के लिए नारे लगाए गए, साथ साथ हवा में तलवारें लहराई गईं। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर मुद्दों से ध्यान बटाने के फिजूल की बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव के मुताबिक चुनाव से पहले जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों पर न जाए, इसके लिए बीजेपी के नेता कभी भगवान का नाम उछालते हैं तो कभी विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर्स को भी फर्जी करार दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में एनकाउंटर हो रहे हैं वहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। अखिलेश ने साफ किया कि एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है।
हमारे भगवान आपके भगवान सबके एक हैं। हर धर्म का भगवान का रास्ता एक ही है, हर धर्म एक ही रास्ता बताता है, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन चुनाव के समय पर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबी पे बहस ना हो, बेरोजगारी पे बहस ना हो, ये जो बड़े पैमाने पे बर्बाद हुए उद्योगपति व्यापारी कारोबार वाले उन पे बहस ना हो, इसे जानबूझ करके भगवानों के बारे में विचार करते हो, जानबूझ से ऐसी शब्द ला। ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये धोखा देने के लिए एनकाउंटर हैं, और जहां जहां एनकाउंटर हुए हैं वहां ज्यादा कानून व्यवस्था खराब हुई है। वेस्टर्न यूपी में जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई एनकाउंटर की, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हुई। और जिस तरीके से एनकाउंटर गलत हैं, फर्जी हैं, केवल हम नहीं कह रहे हैं, विरोधी पार्टी नहीं कह रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उंगली उठा रहा है, कोर्ट उंगली उठा रहा है। हरदोई में एक सरकारी स्कूल के उर्दू शिक्षक ने बच्चों को नमस्ते या गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि सलाम करने का फरमान सुनाया है। इसके बाद आक्रोशित परिजन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा काटा। इस मामले में बीएसए ने आरोपी शिक्षक को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है। पूरा मामला हरदोई जिले के संडीला ब्लॉक जूनियर हाई स्कूल रसूलपुर का है। आरोप है कि स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक मोहम्मद इश्तियाक खान ने छात्र छात्राओं से नमस्ते नहीं सलाम करने का दबाव बनाया। बच्चों ने जब ये बात अपने परिजनों को बताई तो परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक से सफाई मांगी है, साथ ही सही जवाब न मिलने पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में एक अध्यापक महोदय जी हैं, इश्तियाक जिनका नाम है, उन्होंने अनैतिक रूप से बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमसे सलाम करें, सलाम वालेकुम करें, और नमस्कार ना करें, गुड मॉर्निंग ना करें, और आपको यदि कोई दिक्कत है तो हम पानी बना देते हैं, आप पानी हमारा बनाया हुआ पिए, और हम ही से किसी प्रकार की खरीदारी करना चाहते हैं तो हम ही से करें, और इस तरह की तमाम तरीके से वो बच्चों के ऊपर लगातार दबाव। हमारी भतीजी मंजू सिंह वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है, और उससे हमने जब पूछा तो वो यही बोलने लगी कि एक दिन उसने उनसे सुबह गई जब यहाँ से तो उसने गुड मॉर्निंग की, तो वो बोले कि ऐसा है कि हमसे गुड मॉर्निंग न किया करो, हमसे वालेकुम सलाम किया करो। जनपद के संडीला ब्लॉक में यूपीएस रसूलपुर में ये अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं, इनका नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। इनके द्वारा वहाँ के संभवतः कुछ बच्चों के लिए सलाम करने की बात आई थी सामने, इसमें कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने पर मामला फिर समझा बुझा करके शांत किया गया है, और इसमें उनसे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनका स्पष्टीकरण स्पष्ट से अगर असंतुष्ट होता है तो विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में 3C बिल्डर्स की धोखाधड़ी से लोग परेशान हैं। कई लोग आज भी अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, तो जिन लोगों को पोजीशन मिल चुका है वो भी परेशान हैं। लोगों का आरोप कि बिल्डर ने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 3 बिल्डर्स की गिरफ्तारी के बाद बायर्स को कुछ उम्मीद तो जगी है, लेकिन वो अब भी अधिकारियों से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नोएडा में आशियाने का सपना दिखाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 3 बिल्डर्स अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये 3 लोग जो है निर्मल सिंह, सुप्रीत सूरी और विदुर भाजवा, ये तीनों प्रमोटर्स हैं 3C कंपनी के, और इन लोगों को आज कल गिरफ्तार किया गया लोटस 300 की कंप्लेंट के ऊपर, और इन लोगों ने पूरा फ्रॉड किया हम लोगों के साथ। 2010 में इन्होंने लोटस 300 नाम का प्रोजेक्ट सेक्टर 107 नोएडा में लॉन्च किया था, और हम लोगों ने इसमें पैसे लगाए मकान लेने के लिए। बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, ये फ्लैट मैंने 2011 में खरीदा हुआ है और आज 2018 हो गई है, 8 साल हो गए हैं, और अभी भी हमारे घर की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें रहा जा सके। तो क्लियर चीटिंग है, पैसे इनके पास थे, इन्होंने हमसे लिए भी, मैंने सारे अपने अपार्टमेंट के पैसे इनको दे दिए हैं। 3C बिल्डर्स ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट करीब 8 साल पहले शुरू किया था।
इसके बाद सेक्टर 110 में भी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। आरोप है कि बिल्डर्स ने बायर्स से करीब 90% पेमेंट ले ली, लेकिन पजेशन अभी तक नहीं दी। लोगों ने अपने पैसे दिए और अपने फ्लैट्स खरीदना चाहते थे। 3 से 4 साल के पीरियड में ये फ्लैट्स लोगों को मिल जाने चाहिए थे, पर 3 से 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 3 से 4 साल में कई प्रोजेक्ट्स में तो बस बिल्डिंग्स बेसिक सुपरस्ट्रक्चर खड़ा हुआ और उसके बाद सारा काम ठप हो चुका। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। 110 के सेक्टर में, लोटस बनाश में और 3C बिल्डर्स के और भी प्रोजेक्ट्स में सिमिलर केसेस में सुपरस्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद ये लोग गायब हो गए। नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में 3C बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में करीब 1350 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। यूपी रेरा ने पूरी जांच की और अब बिल्डर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी रेरा ने जो इसकी ब्राउन करी की रिपोर्ट निकाली है कि 3C के प्रोजेक्ट्स में, 3 प्रोजेक्ट्स में मिला के ही करीब करीब 1350 करोड़ का घपला है। ब्राउन करी ने उसको फाइंड दी, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑडिट दी होल अकाउंटिंग दैट द वे इट हैज बीन डन। तो उसमें जो 1350 करोड़ का इन्होंने जो घपला किया है, वो पैसा गया कहां? आशियाने का सपना लेकर हजारों लोगों ने अपनी जमा पूंजी बिल्डर्स के हवाले कर दी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना आया। हर तरह का बायर है इनके तीनों चारों प्रोजेक्ट्स में। एक मिडिल इनकम भी है, 1 रूम फ्लैट्स वाले भी हैं, 2 रूम वाले भी, 3 रूम वाले भी, और बड़े बड़े साइज के अपार्टमेंट्स भी हैं इसके अंदर। हर इंसान इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास से भी लेके मेरे ख्याल से हायर इनकम ग्रुप तक फंसा हुआ है। और मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर खरीदा है और साथ में उनके पास इस समय अपना कोई घर है नहीं, किराए पे रह रहे हैं और लोन के भी EMI दे रहे हैं, तो हर तरफ से पिसे। 3C बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी भी सवाल इस बात का है कि बायर्स को उनका आशियाना कब मिलेगा, और सवाल ये भी कि बिल्डर्स आखिर कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा में 3C बिल्डर्स की धोखाधड़ी से लोग परेशान। कई लोग आज भी आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। तो जिन लोगों को पोजीशन मिल चुका है, परेशान है। लोगों का आरोप कि बिल्डर ने जो भी वादे किए पूरा नहीं किया। 3 बिल्डर्स की गिरफ्तारी के बाद बायर्स को उम्मीद जगी, लेकिन वो अब भी अधिकारियों से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई एक आदमी अपने फ्लैट लेने के लिए लगाता है और अपने सपनों का घर वो सपना देखता है, लेकिन जब उसे चीजें मिलती हैं तो वो आधी अधूरी चीजें मिलती हैं। कई बार वो आधी अधूरी चीजें भी नहीं मिलती हैं। और हम 3C बिल्डर के उसी एक प्रोजेक्ट में खड़े हुए हैं, लोटस पनाश में, जहां पर लोग रह तो जरूर रहे हैं लेकिन यहां सुविधाओं का पूरी तरीके से टोटा है। अगर कहें कि रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें काम आती हैं जब अपने फ्लैट से नीचे आते हैं, तो वो सारी चीजों का अभाव यहां देखने को मिलता है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से ऐसे बदमाश कंपनी के बिल्डर्स ने इन लोगों के सपनों को लूटा है, और इस समय जो उनके साथ हो रहा है क्या वही एक सॉल्यूशन है इन बायर्स को उनका घर दिलाने का या उनका हक दिलाने का। बात करते हैं लोगों से। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने घर बुक कराया था, क्या सपने दिखाए थे और क्या क्या वादे किए थे आप लोगों से? हमको तो एकदम 5 स्टार घर के सपने दिखाए थे। अब हकीकत यह है कि हमारा पीने का पानी का कनेक्शन कट गया। बाहर से टैंकर मंगा मंगा के हम वो गंदा पानी पीने को मजबूर थे। बिजली का बिल वो पेंडिंग है, हमको ये डर है वो कब कट जाएगा। आप ये सामने देखिए, यहाँ पे पूरे यहाँ बच्चे गिर सकते हैं। इन्होंने दिखाया था यहाँ पे एक लेक बनेगा या फिर यहाँ पानी रहेगा, बट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मच्छर है चारों तरफ, बच्चे यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है बिल्डर्स को अरेस्ट करने का, UW ने अपना कदम उठाया, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को उससे कुछ फायदा मिलेगा, जस्टिस मिलेगा? मेरे हिसाब से टू लेट एंड टू लिटिल, ये जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि जिनको मकान नहीं मिले वो सालों से लगे हुए हैं। आप पीछे देखेंगे ये 10-10 साल से इन्होंने मकान लिया हुआ है, अभी तो इनको मिला ही नहीं है। ये EMI भी भर रहे हैं और रेंट भी भर रहे हैं और तब भी पूरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही इनको, और ये भी नहीं मालूम कि कब मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंट कि कब मिलेगा ये नहीं मालूम, और जिस तरह न्यूज आ रही तो हमको ये भी नहीं मालूम। क्या पता ये बिल्डर बाहर भाग जाए, डेट और टाइम बिल्कुल नहीं पता। और लोगों से बात करता हूँ, मेरे पीछे खड़े हुए हैं सर, जिस तरीके से वादे करते हैं जब अपना ब्रोशर दिखाते हैं अपना कि इतना सुंदर घर देंगे, ये सारी फैसिलिटीज होंगी, उसके बाद मिलता क्या है? सर, सिर्फ वादे ही मिलते हैं सर, कभी पूरे तो होते नहीं हैं। और अभी भी इन लोगों को पकड़ने के बाद इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये इसमें हम लोग को पूरा जो भी वादे किए हैं वो सब मिलेंगे बेसिकली। और मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत जबरदस्त एक्शन ले
और जितने भी बायर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जो भी वादे किए हैं जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट दिलाएं, और जो भी जिस बात के लिए भी हमने अपने पैसे दिए हैं उसका हमें पूरा पूरा सहयोग मिले। जी, और लोगों से पूछ लेता हूँ, सर ये बताइए कि क्या फैसिलिटीज, जो सबसे बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और आप लोग किस तरीके की कंप्लेंट्स कर चुके हैं? साहब, लोगों ने तो फैसिलिटीज का सपना देखना ही छोड़ दिया, फैसिलिटीज का मतलब क्या है उन्हें वो भी याद नहीं है। आज मैं हूँ, मैं आज 8 साल से EMI भी भर रहा हूँ, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, आज मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे अपनी बच्ची की फीस भरने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरी आमदनी से मेरा खर्चा पूरा नहीं चल रहा। उनके वादे के हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग करी थी, आज सब फेल हो चुकी है। मुझे नहीं पता मैं इस अपनी फैमिली को मैं किस हद तक खींच पाऊंगा या चला पाऊंगा। अंत बहुत बुरा होने वाला दिख रहा है मुझे इस चीज़ का, और मुझे लगता है कि सरकार ने अब जो इनिशिएटिव लिया है इसको थोड़ा स्ट्रांगली लें। देर आया दुरुस्त है, मगर अब इसको स्ट्रांगली ना लिया तो मेरे सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि साहब इलेक्शन तो आ रहे हैं, इस टाइम इनिशिएटिव ले रहे हैं, मगर इसको भूले नहीं। 3C बिल्डर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का कि इस पूरे मामले में लापरवाही कहां हुई। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर कई बारीकियां भी बताई हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सर दिक्कतें आने वाली हैं अब, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम और सारी चीजें आप देख रहे हैं कि, और बिल्डर्स का अरेस्ट होना शुरू हो गया है, क्या प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा, लोगों की लाइफस्टाइल पर, लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? प्रॉपर्टी पे तो ऑलरेडी असर पड़ चुका है, क्योंकि ये हाफ फिनिश प्रोजेक्ट्स जितने भी पड़े हैं जो बिल्डर्स अभी तक खत्म नहीं कर रहे हैं ना करना चाह रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट इस पे नहीं है, तो प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली डाउन ही चल रही है। बायर का कॉन्फिडेंस इस पे बिल्कुल है ही नहीं, तो लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पैसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो अभी बहुत लो है, और जब तक ये मामला सब सुधरेगा नहीं तब तक प्रॉपर्टी ऊपर बढ़ने का कोई रीजन नहीं दिखता इसका। जी, पंकज जी हमारे साथ मौजूद है, पंकज जी से बात करते हैं। सर, वादे और दावे यही होते रहते हैं, बाद में अरेस्टिंग होती है, कोर्ट केस चलता है, वो कहते हैं साहब हम दिवालिया हो गए हैं, क्या सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है, आप लोगों को क्या लगता है एज अ बायर? देखिए, सॉल्यूशन तो है इसका, लेकिन 8-9 साल हमें भी पैसा इन्वेस्ट किए हो गए हैं यहां पर। बिल्डर ने जो वादे किए थे, एग्रीमेंट किए थे हमारे साथ, 2014-15 में ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर होना था, उसके बाद भी कुछ वादे हुए, हमने कोर्ट में केसेस भी किए, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारी जो शिकायत है वो मेनली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नोएडा अथॉरिटी से है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उदासीन है पूरी तरह से, और इन इंग्लिश आई वुड से कि दे आर कंप्लिसिट इन द होल यू नो गेम ऑफ चीटिंग विद द बायर्स। एंड अब आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहते हैं, लोकल जो हमारे DM हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं, MLA हैं, MP हैं, जो कि अब जाग जाएं और एक बार इस प्रोजेक्ट का विजिट करें, यहाँ पे लोगों से मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और अपना उसमें योगदान दें। जी, लोटस पनाश में घर पाने वालों का सपना, हालांकि लोगों ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी लेकिन अब तक उनके हाथ खाली हैं। परेशान लोगों ने कानूनी रास्ता अपनाकर इंसाफ की मांग की। पूरे मामले से जुड़े वकील ने 3C बिल्डर्स के मामले को आम्रपाली बिल्डर्स की तरह ही बताया है। मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं, बात करता हूं लोटस के लोगों की तरफ से। ये वकील साहब सारी चीजों को देखते हैं, सारी लीगैलिटी समझते हैं। सर, अरेस्टिंग हो गई है और अभी तक जो फैसला है अब धीरे धीरे आना शुरू होगा, जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाएगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत पहले से आप इस केस को देख रहे हैं, लोगों के हित में कितना फायदेमंद रहेगा ये? देखिए, जब भी ये लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी इस प्रोजेक्ट के बायर्स ने या किसी भी प्रोजेक्ट के बायर्स ने स्टार्ट करी, तो कभी भी ये आइडिया नहीं था कि चीज़ें इस जगह तक जाएं। लोगों की एक ग्रीवेंस है, लोगों का एक मुद्दा है कि उन्होंने पैसे दिए, उनको उनका फ्लैट मिलना चाहिए, और जब चीज़ें बिल्कुल जिसको कहते हैं पानी सर से ऊपर उठ जाता है और लोग कोर्ट में 3-3, 4-4 साल से एजिटेट कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, सपने प्रोजेक्ट का इसमें 34 करोड़ की रिकवरी का ऑर्डर आ चुका है, प्रॉपर्टीज अटैच हो चुकी हैं, उसके बाद भी जब लोग देखते हैं कि उसके बाद भी कुछ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कंपनी का शेल ले लिया जाता है और उस कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया जाता है और जो पीछे प्रमोटर्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जब वो चीज़ देखते हैं कि जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो नहीं आ रहे, तब पुलिस की तरफ से या इस तरह की कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है। इसके अभी भी पॉजिटिव तभी निकल सकता है अगर इसके पीछे जो भी प्रमोटर्स हैं वो उस चीज़ को समझें कि सिचुएशन एक्चुअली क्रिटिकल है, और इस चीज़ को एक SOS तरीके से, बेशक अब
सारा मुद्दा अगर आप कहें तो पैसे का है। अब बात ये आती है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा तो बायर्स तो अपनी तरफ से दे चुके हैं, तो अब अगर आ सकता है तो जो इसके मालिक हैं, जो प्रमोटर हैं कंपनी के, वही फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को उस एंगल से अभी भी देखें तो आई थिंक चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। सजेशन क्या है कि अगर गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, लोकल अथॉरिटीज को? लोकल अथॉरिटीज तो जैसे मैंने कहा कि जहाँ जहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वहाँ लोकल अथॉरिटीज एक्शन ले रही हैं और ये पैसे रिकवर करने के लिए। उसके अलावा रेरा का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और रेरा के अंदर प्रोविजन है कि जो प्रोजेक्ट इस तरह से स्टक हो जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो प्रमोटर के फेवर में है उसको कैंसिल की जा सकता है, और उसके बाद फ्रेश इनवाइट बुलाए जा सकते हैं फ्रेश डेवलपर्स के थ्रू। और उसमें अगर इस अपार्टमेंट ओनर्स की जो एसोसिएशन है वो भी बिड कर सकती है, अगर इनको लगता है कि ये सारे एक साथ मिलके और एक अपना डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकते हैं, इनका क्लेम रहेगा जो बिल्डर से, जो ऑब्वियसली जो इतने साल का डिले हुआ उसके लिए जो इनका लॉस हुआ उसका क्लेम रहेगा। पर इस तरह से एटलीस्ट एक बार काम शुरू हो सकता है, और जहां तक पेनल्टी की बात आती है जो डिले की, वो फिर कंपनी से रिकवर की जा सकती है। शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़ने वाले बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे थे। टंकी पर चढ़ने वाले इन कार्यकर्ताओं के हाथ में बीजेपी का झंडा था। इन कार्यकर्ताओं का आरोप कि बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने ब्लॉक स्तर पर बनाए गए बीजेपी युवा मोर्चा और किसान मोर्चा में बाहरी लोगों को शामिल किया, उन्हें दरकिनार किया गया। टंकी पर चढ़े इन कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इस दौरान एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया जिसे अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया। सीतापुर में महिला को मिट्टी का तेल डालकर जलाने के मामले का यूपी पुलिस डीजीपी ओपी सिंह ने संज्ञान लिया। डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश के बाद आईजी सुजीत पांडे महिला का हाल जानने के लिए सीतापुर पहुंचे। इस मामले में तंबौर के एसएचओ को सस्पेंड किया गया। आरोपी की गांव के कुछ दबंग महिला से छेड़छाड़ करते थे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो नाराज दबंगों ने महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस केस में पुलिस ने राजेश नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बढ़ते आगे, ललितपुर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर जमीन विवाद के चलते चलाकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। महिला का आरोप कि जब वो अपने पति के साथ ससुराल गई तो वहां पैतृक जमीन के हिस्से के बंटवारे को लेकर उसका अपनी सास देवरानी और देवर से विवाद हुआ। महिला का आरोप कि इसके बाद तीनों ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले किया। महिला का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी है। शिरडी साई संस्थान ने महाराष्ट्र सरकार को 500 करोड़ रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया है। संस्थान ने सरकार को यह पैसा अहमदनगर के निलवंडे परियोजना को पूरा करने के लिए दिया है। खास बात यह कि इस पूरी रकम पर साई संस्थान कोई ब्याज नहीं लेगा। हालांकि सरकार को यह रकम 10 साल में संस्थान को वापस करना होगा। जिस परियोजना के लिए यह कर्ज दिया गया उसके पूरे होने पर कई तहसीलों में पानी का संकट खत्म होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है।